तो दोस्तों आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिया के ए एम प्रोजेक्ट को जल्द ही एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है बेसिकली बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के पहले हिस्से में इंडिया को ए एम प्रोजेक्ट को लेके फंड जारी किया जा सकता है जिनमें एयरक्राफ्टो के प्रोटोटाइप बिल्डिंग से शुरू करके एयरक्राफ्ट के इनिशियल काम शुरू होगा पर दोस्तों जहाँ पे एक तरफ इंडिया को ए एम के प्रोटोटाइप बिल्डिंग का काम शुरू करना है तो वही पे इन एयरक्राफ्टो में एक इंडिजिनियस इंजिन को भी लगाने का तैयारी करना है वैसे तो इनिशियली प्रोटोटाइप में इसमें एफ फोर का इस्तेमाल होगा लेकिन आखिर में इंडिया इसमें अपना खुद का इंजन इस्तेमाल करना चाहता है ऐसे में इंडिया को अब जल्द ऐसी से जल्द सेफ्रॉन जल और रोल्स रॉयज में ऐसी किसी एक एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने वाले कंपनी को अपने ए प्रोजेक्ट के लिए चुनना जरूरी है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा की ए प्रोजेक्ट के लिए भारत के द्वारा सेफ्रॉन और रोल्स रॉयस जैसे कंपनी में से किस कंपनी को चुना जा सकता है और इन दोनों कंपनियों के तरफ से भारत के ए एम प्रोजेक्ट के इंजन को लेके भारत के साथ किस तरीके से आगे बढ़ने का तैयारी किया जा रहा है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया है की इंडिया के फिफ्थ जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब ए प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, के, के द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जल्द ही अप्रूवल दिया जा सकता है और प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीबन पंद्रह हजार करोड़ रुपए के एक डेवलपमेंट फंड को भी जारी किया सकता है इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह संभावित नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2022 के शुरुआती समय में हो जाए और एयरक्राफ्ट टू के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी संपूर्ण कर लिया जाए एक्सपेक्ट किया जा रहा है की इस पंद्रह करोड़ रूपए के लागत से एएमसीए एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बिल्डिंग के काम और इसके इनिशियल फ्लाइट टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट के काम को अंजाम दिया जाएगा दोस्तों प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जहाँ पे एयरक्राफ्टों के फंडिंग के साथ साथ एयरक्राफ्टों के हकीकत बनने का भी शुरुआत होगा पर प्रोटोटाइप बिल्डिंग के साथ साथ भारत को एक इंजिन को भी डेवलप करना आवश्यक है वैसे अगर देखा जाए तो भारत कावेरी इंजिनों के डेवलपमेंट कर रहा था जिसे तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाना था लेकिन इंजिनों को लेके अब तक भारत को ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला है जिसे लेके हम कह सके की भारत तेजस एयरक्राफ्टो में या भारत के अपने किसी अन्य एयरक्राफ्टों में कावेरी इंजनों का इस्तेमाल करे हाल ही में इवेंट रिपोर्टों में यह भी बताया गया है की जल्द ही भारत कावेरी इंजनों के ड्राई वेरियंट को रशिया में टेस्ट कर सकता है पर अगर कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट ऐसी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा की भारत फिलहाल अपने एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए अमेरिकी इंजिनों का इस्तेमाल कर रहा है तेजस मार्क वन और मार्क वन ए जैसे एयरक्राफ्टों में जहाँ पे जी ई फोर जीरो फोर इंजिनों का इस्तेमाल होगा तो वहीं पे एम ए के प्रोटोटाइप और तेजस मार्क टू जैसे एयरक्राफ्टों में जी ई फोर वन फोर इंजिनों का इस्तेमाल होगा क्वीन इंजन डेगवेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्टों में भी जी ई फोर का इस्तेमाल हो सकता है इवन दोस्तों बताया जा रहा है की ए के संभावित इनिशियल कुछ वेरियंटो में जी ई फोर के साथ ही एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल किया जाए पर भारत के अगर असल इरादे को देखा जाए तो भारत अपने सभी एयरक्राफ्टों में इंपोर्टेड इंजिनों को नहीं इस्तेमाल करना चाहता है बल्कि अपने ए प्रोजेक्ट से ही नए इंजिनों का शुरुआत भी करना चाहता है इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि एम ए के लिए जिन इंजिनों का डेवलपमेंट किया जाएगा वो 110 सौ दस किलोमीटर वाला इंजन होगा जबकि भारत अमेरिका से खरीदे हुए इंजनों को भी भविष्य में अपने इंडिजिनियस इंजनों से रिप्लेस करना चाहता है मतलब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ ऐसी एमसी प्रोजेक्ट को लेकर एक फंड जारी किया जा रहा तो वही पे तय समय पे अगर इन एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस इंजनों का इस्तेमाल करना है तो अभी से ही इसका तैयारी शुरू करना पड़ेगा इवन दोस्तों अब तक के अगर रिपोर्टों को भी देखा जाए तो एमसीए एयरक्राफ्टों के लिए जो इंजन को डेवलप करना है उसे लेके गैस टर्बाइन रिसर्च एवलिशमेंट और डीआरडीओ के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पीएमओ के अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत का केंद्र बिंदु है फ्रेंच एरोस्पेस मैनुफेक्चर सैफ्रॉन और ब्रिटिश एरोस्पेस मैनुफेक्चर रोल्स रॉयस के बीच में किसी एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में नए इंजिनों का डेवलपमेंट करना रिपोर्ट में बताया जा रहा है की जो नया इंजिन होगा वो संभावित सिक्सटी टन ड्राइव थ्रस्ट वाला इंजिन होगा जबकि इसका वेट थ्रस्ट मतलब आफ्टर वर्णिंग थ्रस्ट एक सौ दस तक होगा और ये संभावित दो तक तैयार हो जाए और एम सी ए मार्क टू जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो अब दोस्तों बड़ा बात यह है कि ये जो दोनों कंपनी मतलब सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस इन दोनों के तरफ से भारत को किस तरीके का ऑफर किया गया है फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन को देखे तो सैफ्रॉन के द्वारा अब तक कई तरीके के इंजनों का निर्माण किया जा चुका है जिनमें इंडियन एयरफोर्स के मिराज जैसे एयरक्राफ्टों से शुरू करके राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन तक शामिल है फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन के अगर ऑफर को देखा जाए तो सैफ्रॉन के द्वारा भारत को एम के कोर देने का बात कहा जा रहा है जिसका इस्तेमाल करके भारत एक जनरल सिक्सटी नाइन टू वन हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजिन को तैयार कर सकेगा रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है की सैफ्रॉन कंपनी एटी एट फोर इंजिनों के कोर के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है खास करके इसके कोर सेक्शन मतलब हॉट सेक्शन को लेके और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है की इसे भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले हाई डिस्टोरेशन टोयरेट सर्च मर्जिन स्टेल्थ फीचर वाले इंजिन के फैन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा जो भारत द्वारा डेवलप किया भी जा रहा है और जिसे भारत के आफ्टर वर्नर के साथ भी लगाया जा सकेगा जबकि सैफ्रॉन के इस ऑफर के साथ साथ सेफ्रॉन के तरफ से कम से कम छह बिलियन डॉलर के एक अनुरोध भी किया जा रहा है ताकि सेफ्रॉन इंजिनों के डेवलप और इसे निर्माण करने के लिए स्टेब्लिशमेंट का निर्माण कर सके जबकि सैफ्रॉन की तरफ ऐसी ये भी बताया जा रहा है की कंपनी अपने तरफ ऐसी भी इंजिनों के डेवलपमेंट को लेकर फंडिंग करेगा जबकि सेफ्रॉन के ऑफर में डेसोल एविएशन की तरफ ऐसी निर्माण किया हुआ रेफेल और एयरक्राफ्ट टू के भी एक भूमिका है रिपोर्ट में बताया जा रहा है की जब ये इंजिन तैयार हो जाएगा तो सेफ्रॉन कंपनी इन एयरक्राफ्ट टू के इंजिनों को डेसोल एविएशन के रेफेल एयरक्राफ्ट टू में लगा के भी इस्तेमाल करेगा मतलब इसका टेस्ट करेगा और दोस्तों ये जो एम एटी एट इंजिनों के कोर की बात कहा जा रहा है यह असल में रेफेल एयरक्राफ्टो के लिए ही निर्माण किया हुआ इंजिन के कोर है फिलहाल अगर देखा जाए तो सेफ्रॉन राफेल एयरक्राफ्ट क्राफ्टो के साथ ही एम के कोर के बेस पे बनाए जाने वाले इंजिनों को सर्टिफाइड करने का भी बात कर रहा है जबकि भारत को मिले हुए नए राफेल रायरक्राफ्टो को भी देखा जाए तो इसके लिए सेफ्रॉन के तरफ से एम जैसे इंजिनों का डेवलपमेंट किया गया था जबकि दूसरी तरफ सेफ्रॉन के ऑफर में एक मिनिमम प्रोडक्शन गारंटी का भी फैक्टर है मतलब सेफ्रॉन नहीं चाहता है की एयरक्राफ्टो के इंजिनों के डेवलपमेंट के बाद भारत इन्हें बड़े मात्रा में न निर्माण करे मतलब एक ऐसा गारंटी चाहता है जहाँ पे भारत के द्वारा कम ऐसी कम इतना संख्या के इंजिनों को अपने फोर्सेज के लिए निर्माण किया जाए ताकि सेफ्रॉन को भविष्य में नुकसान का सामना न करना पड़े जबकि सेफ्रॉन के ऑफर में एक और भी क्लॉज है जिसके तहत सेफ्रॉन का कहना है की ये जो नए इंजिनों को निर्माण किया जाएगा ये खाली भारत के लिए नहीं बल्कि अन्य एयरक्राफ्टों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा और आवश्यकता पड़ने पे इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के ऑफर को अगर देखा जाए तो इसे सेफ्रॉन के द्वारा किया गया ऑफर के तुलना में अधिक बेहतर ऑफर के रूप में भी देखा जा रहा है रॉयल्स रॉयस कंपनी के तरफ से भारत के सामने कोई पुराने कोर के तहत जेट इंजिनों को डेवलप करने का ऑफर नहीं रखा गया है बल्कि रॉयल्स रॉयस चाहता है कि भारत की भारत के इंजिनों के लिए टोटली एक नया कोर का डेवलपमेंट हो इवन इसका कोई भी रिलेशनशिप रॉयल्स रॉयस के सबसे फेमस जेट इंजिन मतलब यूरो जेट ई टू के साथ भी ना हो कंपनी का यह भी कहना है की नया कोर सेक्शन टोटली एक कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा मतलब भारत और रॉयल्स रॉयस एकत्रित रूप में इसे निर्माण करेगा और साथ ही साथ इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ इसके अपग्रेडेशन के राइट भी भारत के पास होगा रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है की सेफ्रॉन के तरफ ऐसी इंजिनों के डेवलपमेंट को लेके भारत के सामने जो प्रस्तावित अमाउंट रखा गया है रॉयल्स रॉयस के तरफ ऐसी भी कोर के डेवलपमेंट और इंजिन के डेवलपमेंट को लेकर लगभग उतना ही प्राइस को रखा गया है पर दोस्तों इसे लेके फिलहाल कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है बल्कि हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली रॉयल्स रॉयस कितने अमाउंट के साथ भारत के साथ इस तरीके के जेट इंजिनों के प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ना चाहता है मे भी नेगोशिएशन चल रहा है बोल के इस अमाउंट में फेरबदल भी हो सकता है और अमाउंट के कमने या बढ़ने का भी संभावनाएं हैं दूसरी तरफ इंजनों के टेस्ट को लेके रॉयस का ये भी कहना है कि संभावित बोइंग 747-400 फ्लाइंग टेस्ट विट का इस्तेमाल करे जो कि अधिक एक्सपेंसिव और इंस्ट्रूमेंटल है साथ साथ ही अधिक सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट लेने के लिए भी इस तरीके के एयरक्राफ्ट समर्थ है दोस्तों अगर दोनों कंपनियों के तरफ ऐसी किया गया ऑफरों को देखा जाए तो दोनों का ही ऑफर यूनिक है और दोनों ही भारत के साथ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या को डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और दोस्तों इसके पीछे भी कई तरीके के पूर्ण तो कारण है क्योंकि भारत के अंदर भविष्य में जेट इंजनों के मार्केट को काफी मजबूत देखा जा रहा है और भारत कई तरीके के एयरक्राफ्टों का निर्माण करने का इरादा भी रख रहा है खाली दोस्तों ए एम सी ए नहीं बल्कि ऐसे इंजनों का इस्तेमाल भविष्य के भारत के हर एक एयरक्राफ्ट में होगा जिनमें तेजस एयरक्राफ्टों के इंजनों के रिप्लेसमेंट से शुरू करके तेजस मार्क टू और ट्विन इंजन डेक डेकवेज जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही साथ में इसके नॉन टर्बो फैन वेरियंट या फिर कह तो टर्बो टर्बोप्रॉप वेरियंट का भी डेवलपमेंट किया जा सकता है जो भारत के भविष्य के एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे में भी किया सकता है। के द्वारा अगर भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर भारत के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ एकत्रित रूप में काम किया जाएगा तो प्रोजेक्ट में कंपनी को तो बेनिफिट मिलने वाला है ही साथ में कंपनी के जो ग्रोथ है वो भी आसमान में छुएगा दो इंडिया के अगर रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो फिलहाल के डेट के मुताबिक भारत द्वारा करीबन एक तेजस मार्क वन और मार्क वन ए जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है जबकि भारत एक से अधिक तेजस मार्क टू जैसे एयरक्राफ्टो को खरीदना चाहता है और ट्वीट इंजन फाइटर एयरक्राफ्टो का भी संख्या इसके आस हो सकता है जबकि एम सी एयरक्राफ्टों की संख्या इससे कई गुना अधिक होगा ऐसे में आप समझ सकते होंगे की आने वाले समय में भारत को हजारों के संख्या में इंजिनों का आवश्यकता पड़ेगा और दोस्तों एयरक्राफ्ट के पूरा लाइफ साइकिल में एक या दो इंजन नहीं बल्कि कई सारे इंजनों का इस्तेमाल होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर भारत द्वारा अगर अन्य कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है तो इसमें इंजनों की संख्या और कई गुना बढ़ेगा दूसरी तरफ भारत के अगर एविएशन मार्केट या फिर एयरलाइनर मार्केटो को देखा जाए तो ये भी जितने तेज गति से बढ़ रहा है इससे हम अभी से कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत अपने लोकल एविएशन इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी बढ़ाएगा और इंडिजीनियसली ऐसे एयरक्राफ्टों को भी निर्माण करेगा जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में इस्तेमाल होगा मतलब मार्केट को अगर देखा जाए तो भविष्य में जिस कंपनी के द्वारा ही भारत के साथ आगे बढ़ा जाता है उसे कई हजार के संख्या में जेट इंजनों को निर्माण करने का या फिर जेट इंजनों के कॉम्पोनेटों को निर्माण करने का मौका मिलेगा दूसरी तरफ अगर भारत के फायदे को देखा जाए तो ऐसे कोर के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत एक खुद के इंडिजिनियस इंजन जहाँ पे डेवलप कर पाएगा तो वही पे भारत के वायुसेना के ताकत को मजबूत करने के साथ साथ इंडिजीशन को भी और मजबूत किया जा सकेगा और ऐसे टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद भारत अपने टोटल इंडिजिनियस इंजनों के डेवलपमेंट या फिर इसके अपग्रेडेड वर्जनों को भी निर्माण कर सकेगा जो समझौते के साथ आगे बढ़ने वाले कंपनियों से अलग होगा और पूरा पूरी भारत के नियंत्रण में होगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद